और बच्चों को सलाम, बड़ों को मेरा प्रणाम। शाहरुख खान है मेरा नाम, नाम तो सुना ही होगा। और आज हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल दिन है, स्पेशल क्लास है हमारी, क्योंकि इस क्लास में आ रहे हैं ऐसे कपल जिसे इंडियन टेलीविजन का सबसे रोमांटिक कपल माना जाता है और जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। द मोस्ट ब्यूटिफुल जोड़ी, इंडिया का सबसे चहेता बेटा और इंडिया की सबसे चहेती बहू, प्लीज वेलकम नंदिनी एंड करण फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी, हितेन एंड गौरी। अगर गौरी यहाँ पर नहीं है तो उसके बिना तुम बिल्कुल अधूरे हो, हम तुम्हें शो पे नहीं रख सकते, पहले गौरी को बुलाओ। शाहरुख लाइफ में कुछ तो मुझे अकेले करने दो। हम कुछ भी तुम्हें अकेले नहीं करने देंगे, हम गौरी के एक्चुअली सीक्रेट सर्वेंट्स हैं, तुम पे नजर रखते हैं, तुम कहीं पर भी अकेले नहीं आ सकते। तो गौरी को बुलाओ जैसे तुम घर में प्यार से रोमांटिकली गौरी को बुलाते। कहा था उसने जाके दिखाओ। खैर प्यार से जैसे घर में बुलाते हो, प्यार से। जानू प्लीज कम, जानू प्लीज कम। अरे ये जिताने वाले वेलकम गौरी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो, गॉड ब्लेस यू। और एक बात बताओ गौरी, ये हितेन तुम्हें प्यार से ऐसे ही बुलाता है? प्यार से और गुस्से में, दोनों में जानू ही बुलाता है। और तुम क्या बुलाती हो इसको? मैं भी ज्यादातर गुस्से में होता है, जानू ही बुलाती हूँ। जानू बुलाती हो तुम इसको? मेरी बीवी अलग है, मेरी बीवी मुझे घर में टॉमी कह के बुलाती है। टॉमी आ जाओ। डोंट गिव हर आइडियाज। नहीं नहीं, दिस इज अ गुड आइडिया, यू शुड ट्राई इट। आई शुड ट्राई इट। शेरू शेरू। नहीं नहीं नहीं, आई एम गुड विद जानू बाबा। मुझे एक बात बताओ, तुम दोनों कैसे मिले थे, मतलब तुम्हारी पहली मुलाकात कैसी हुई थी? एवरीबॉडी सेज यू आर द मोस्ट रोमांटिक कपल ऑन टेलीविजन एंड बहुत रोमांटिक हो, खूबसूरत हो, साथ में अच्छे लगते हो। आई थिंक हितेन अच्छी तरह से बता पाएगा ज्यादा। नहीं तुम बताओ ना गौरी, सब कहते हैं तुम बात नहीं करती हो, किसे बोलती नहीं हो, बड़ी स्ट्रिक्ट सी हो तुम। We were shooting for an ad film together. अच्छा, तो वहाँ हमारी मतलब मुलाकात साबुन के ऐड के लिए, हाँ, के लिए हम मिले थे। साबुन के ऐड काफी रोमांटिक होते हैं वैसे भी। I know, मैंने किया है साबुन के ऐड। लेकिन मैंने हितेन से बिल्कुल बात नहीं की थी। आई यूज़ टू सिट इन कॉर्नर और मेरी किताब पढ़ती थी मैं। तो उसके बाद जब हम दोनों ने एक शो किया तब उसके बाद शो पे मुलाकात हुई। फिर मुलाकात हुई, फिर तुम बात करने लगी 6 महीने के बाद। तुम कैसे बात करने की कैसे कोशिश करते थे, पीछे से कुछ ट्राई करते रहते थे? नहीं, मैं नेचुरली जैसे सब लोगों के साथ था वैसे सबसे बात करता था, जोक करता था, हंसी मजाक करता था। लेकिन मैं यही सोचता था कि एक लड़की किसी भी अच्छे जोक पे हंस कैसे नहीं सकती, लेकिन आई एम श्योर ये मेकअप रूम में जाकर हंसती होंगी जरूर। वन डे शी स्माइल्ड एज ए हंसी, तो वही हंसी तो ओके। और ये तुम्हारी असली शादी की तस्वीर है? जी हाँ जी, असली शादी की तस्वीर है। कहाँ कहाँ की थी? पुणे में। वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और मैं चाहूंगा कि तुम्हारी शादी 200 साल तक चलती रहे, बहुत सारे बच्चे हों, 30 बच्चे हों तुम्हारे, और सब तुम्हारी तरह खूबसूरत और टैलेंटेड हो और एंटरटेनमेंट में काम था। टैलेंटेड इनकी तरह हो, ये है ये टैलेंटेड इनकी तरह। मेरी तरह मत बोले क्योंकि मैं इनके सामने थोड़ा ज्यादा ही टैलेंटेड। ज्यादा टैलेंटेड इससे ज्यादा टैलेंटेड हो तुम? एक्चुअली उल्टा बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ। She is more talented, of course. मैंने दुआ इसलिए की कि बच्चे तुम भी 200 साल जियो, because anyway क्योंकि मैं 200-300 साल से चलते ही जा रहे हैं। हमारा परिवार है ना, आपके परिवार यहाँ पर है, उनसे मिल सकते हैं? हमारी बाँ है। नमस्ते बाजी, इनकी आप उम्र जरूर पूछ लीजिए। बाजी आपकी उम्र क्या है? मैं 106 साल की। 106 साल बस, तो 200 साल तक तो मैं जी लूँ। वैसे माशाल्लाह आप लगती नहीं है, आप लगती मुझे 16 साल की हैं। क्या बात, वो मन से मित्र ही वैसे भी। हाँ? मस्ती ऐसे ही करती रहती। अच्छा मस्ती वैसे ही करती है। लाइक 16 ईयर ओल्ड। ओके, ये मेरा दामाद है शो में, नाम मानव है और कैरेक्टर नेम जॉयदीप। नहीं लगता ना, जॉयदीप। जॉनी डेप था, इन्होंने जॉयदीप बना दिया। एक्चुअली तुम जॉनी डेप हो, तुम्हारी सीक्रेट आइडेंटिटी में यहाँ पर काम कर रहे हो सास में, अदरवाइज तुम एक्चुअली जॉनी डेप हो। ओके ओके, थैंक यू सो मच जॉयदीप फॉर बीइंग हियर एंड गॉड ब्लेस यू। और तुम लोग मुझसे जवान हो इसलिए ऑल द बेस्ट टू यू इन लाइफ एंड डू वेरी वेरी वेल। थैंक्स अ लॉट। ओके, वो जो इस तरफ है वो बेटी है मेरी। ये बेटी है? बेटी शो में
तुम्हारी बच्ची है या कोई और रिलेशनशिप से बच्ची है? लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बहुत यार, ये रिलेशनशिप की बड़ी प्रॉब्लम्स होती है मुझको फॉलो करने में. तुम क्यों नहीं बोल रही कुछ बीच में से बोलो. हेलो, आई एम मोनी एंड आई प्ले केटी इन क्योंकि. केटी कृष्णा तुलसी, दैट्स अ शॉर्ट फॉर्म. केटी नॉर्मली सीम्स लाइक थोड़ा सा ऐसा तड़क भड़क डांस वंस टाइप, यू नो, हियर कम्स सिसलिंग केटी. Beyond that dancing, I come with all sindoor and you know mangal sutra. And मुझे पता नहीं तुम स्क्रीन पे वैसी हो या नहीं हो, लेकिन इस वक्त तुम बहुत sizzling और Katie type ही लग रही हो. God bless you and thank you for being here. Okay, ये विरानी परिवार से मैं मिल चुका हूँ, तो जल्दी से हम गेम शुरू करेंगे. लेकिन शुरू करने से पहले तुम्हें फटाफट एक क्लासमेट चूज करना पड़ेगा अपने पास. आइए आप भाई. Okay, so. Pretty Shriya for this pretty couple here. और कौन सी चैरिटी के लिए आप दोनों खेलने वाले हैं? चैरिटी का नाम है Project Crayons. क्या है वो चैरिटी, क्या करते हैं? It's for the underprivileged children. और आप लोग पहले भी उस चैरिटी को सपोर्ट कर चुके हैं? जी. Okay, it's close to your heart. Yeah. So very very sweet, very very good. All the best to you, and I hope you win 5 crore rupees. And thank you once again, the whole Virani family, for being here, you for being here. And before I start playing, आप लोगों से मैं एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लूंगा. Jack and Jill poem sunao pehle. Come on. Jill. Jack and Jill, yes, went up to the hill to fetch a pail of water. Fix karti hu head. Hiten ka nahi, answer mein. Aram se mere head nahi hai. Wo ghar jaake. Welcome back. Airtel Presents. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ हैं इस वक्त हितेन और गौरी, ऑफ कोर्स पूरा विरानी परिवार. मेरे साथ है सिजलिंग हॉट बा और मेरे साथ हैं डेम्योर एंड स्वीट केटी आल्सो. और हम पता करने वाले हैं कि पूरा विरानी परिवार एंड स्पेशली हितेन एंड गौरी पांचवी पास से तेज हैं या नहीं. ये आ रहे हैं आपके सब्जेक्ट्स फॉर 10,000 रुपीज. English. दस हजार रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए क्लास वन इंग्लिश का सवाल दिखाया जाए प्लीज. आपका सवाल है हिंदी में. नर्सरी राइम जैक एंड जिल के अनुसार जैक के शरीर के किस हिस्से में चोट लगी? ए सिर, बी कोहनी, सी घुटना. अकॉर्डिंग टू द नर्सरी राइम जैक एंड जिल, वेयर डिड जैक इंजर हिमसेल्फ? No, one second. Smile करो और पूरा जैक एंड जिल पोएम सुनाओ पहले. Come on. Smile करते करते. 1, 2, 3, start. You have to say it with me. और तुम भी smile करोगे मेरे दोस्त? Yeah, मैं तो smile कर रहा हूँ. Jack and Jill went up. No, you're not smiling. You have to smile. Jack and Jill. Jack and Jill went up to the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown, and Jill came tumbling after. Okay, very nice. So, Jack and Jill, where did Jack injure himself? Head. See, A, head and. Let's go. Yes, go for it. अगर तुम्हें लग रहा head है. फिक्स कर दो हेड बोल के. यस कहो. फिक्स करती हूँ हेड. फिक्स करती हूँ हेड. हितेन का नहीं, आंसर में. आराम से मेरा हेड नहीं. वो घर जाके. यस एंड द आंसर इज क्राउन व्हिच एक्चुअली मींस द हेड. सो 10,000 रुपीज टू बोथ ऑफ यू. कांग्रेचुलेशंस. प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स के लिए ये पैसे इस्तेमाल होंगे. जल्दी से और भी पैसे उनके लिए जमा करते हैं. सेकंड क्वेश्चन फॉर 20,000 रुपीज. ये हैं आपकी कैटेगरी. वो आएगा ना तेरे लिए हिंदी में. एनिमल किंगडम. ओके, एनिमल किंगडम. क्लास टू एनिमल किंगडम. हितेन और गौरी के लिए 20,000 रुपए के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज. और मेरे कॉम्पैक्ट पर हिंदी में मैं सवाल पढ़ के सुनाता हूँ. जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले
जंतुओं को क्या कहते हैं? आप जवाब दीजिए और दवा दीजिए। अरे एक सेकेंड, देखो सूर्या को लगता है उसे जवाब मालूम है। मेरा सवाल सुनो, जल और स्थल दोनों जगह रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। सवाल मैंने कौन सी भाषा में पूछा है? हिंदी में बताओ मुझे। हिंदी में हिंदी में एम्फीबियंस को क्या कहते हैं अगर ये तुम्हारा जवाब? इसलिए मैं अंग्रेजी में पढ़ ही नहीं रहा हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट तो करो ना यार। श्रेया को मालूम है हिंदी में क्या कहते हैं? उसको भी मालूम है? नहीं बोल रही है। 100% मालूम है इसको, तो बताएगी नहीं तुम। ओके, ऐसे मजाक कर रहा हूँ। यू कैन फिक्स योर आंसर इफ यू थिंक एम्फीबियन इज द राइट आंसर। सो एम्फीबियंस। वेरी गुड। द राइट आंसर इज उभयचर, जिसका मतलब है एम्फीबियंस। सो द राइट आंसर इज एम्फीबियंस। वेरी गुड। 20,000 रुपीज टू यू। लेकिन अभी श्रेया को यहां से वापस जाना पड़ेगा क्योंकि उसके दो सवाल हो गए। थैंक यू श्रेया, गॉड ब्लेस यू। एक और क्लासमेट चूज कर लो। Astronomy. Okay, class 2, astronomy, 50,000 रुपए के लिए। गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। और कॉम्पैक्ट में हिंदी में पढ़ के सुनाता हूं, जवाब अंग्रेजी में भी दे सकते हो। सही या गलत, चंद्रमा की रोशनी वास्तव में सूर्य की रोशनी की प्रतिछाया यानी रिफ्लेक्शन है। अंग्रेजी में मेरे को लगता है उसको जवाब मालूम है, थप से मारा है उसने। True or false? Moonlight is actually reflected sunlight. Is that true or false? Everything gets a light from sun, so it has to be true or false. Sun ki roshni charo taraf hoti hai, to has to be. Sabko sun se hi milti hai roshni. True. I think it's true. Kya karne chahoge? True fix karna chahiye. Bibi se pooch lo tum pehle, tum na bahut aage aage badh rahe ho Bibi se. Main aage nahi, main to bol raha hu. Bada tumne kaun mein fix karna chahenge? Usse to pooch pehle, jaa chance nahi milta aage jaane ka na. Acha, I'm trying my best. You thinking I'll be on your side? Permission lo pehle. True ko fix kar de. I think yeah. Kar dete hain. True ko fix. Go ahead or true ko fix kar do. Do you want to do it? Do it this time. Pehli baar mujhe maarne milega. True. Fix kar de. मैंने लगता मून की अपनी कोई लाइट होगी या अर्थ से एक्चुअली जो लाइट है जो पहुंचती है रिफ्लेक्ट होके सन से और वो पड़ती होगी। no. नहीं, पक्का मालूम है? इतना पक्का मालूम है तो तुम्हें तंग नहीं करूंगा। यू हैव द राइट आंसर, 50,000 रुपीज। एंड जैसा तुम कह रही थी, द सन इज द ओनली सोर्स ऑफ लाइट, सो ऑब्वियसली सारी लाइट जो हम लोग देखते हैं एटलीस्ट वो सन से है। और वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल। 1,00,000 रुपए के लिए तुम्हारी कैटेगरी तुम्हारे सामने है। Let's go for Hindi. Hindi. Class 1 Hindi का सवाल 1,00,000 रुपए के लिए दिखाया जाए। हिंदी का सवाल तुम्हारे लिए है, हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? ए राष्ट्रगान या बी राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत। हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, राष्ट्रगान ए या राष्ट्रगीत? सोच समझकर 1,00,000 रुपए के लिए है। तुम्हारे तीनों चीट्स भी तुम्हारे पास हैं। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें थोड़ा सा हिचकिचाहट है तो एक चीट है ताक झांक यानी अपने पार्टनर का आंसर। ओ तुम्हारे पार्टनर को लगता है कि उसको जवाब मालूम है सही वाला, अपने पार्टनर का जवाब ताक झांक कर सकते हो यानी रेफर कर सकते हो। दूसरा है कॉपी की, जो आंसर पार्टनर ने लिखा है उसी के साथ जाओ। तीसरा है बचाओ, अगर गलत जवाब दिया और पार्टनर ने सही दिया तो तुम बच भी सकते हो एक बार। सोच समझ के हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ए राष्ट्रगान बी राष्ट्रगीत? राष्ट्रगीत। सुना जरूर होगा कहीं ना कहीं। सुना है, दोनों सुने। हाँ, बड़े इससे क्लोज हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है राष्ट्रगान, लेकिन सिंपल है। राष्ट्रगीत। पक्का लगता है तुम्हें राष्ट्रगीत है? गलती नहीं कर रहे हो? सोच लिया? सोच ली। 1,00,000 रुपए के लिए राष्ट्रगीत।
राष्ट्रगीत। परमिशन ले लो, तुम फिक्स करोगे या गौरी फिक्स करेगी? यू डू इट, इट्स योर सब्जेक्ट। ओके, वी फिक्स बी राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत। अगर तुमने जवाब गलत दिया होगा तो गौरी तुम्हें बहुत डांटेगी, तुम्हें मालूम है ना घर में जाके। मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअली ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और था भी और अभी भी लग रहा है मुझे, क्योंकि राष्ट्रगीत जो है हमारा है वंदे मातरम, तो तुम्हारा जवाब एक्चुअली गलत है। अब तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है अगर धैर्य ने सही जवाब लिखा होगा तो। लेट्स सी क्विकली कि धैर्य ने क्या जवाब लिखा है। सवाल था हमारे नेशनल एंथम के लिए हिंदी में कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया। हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है, हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान जनगणमन। राष्ट्रगान इज द नेशनल एंथम। ओके, सो वेरी गुड, थोड़ा सा झटका लगा है लेकिन तुम्हारे बच्चे ने तुम्हें बचा लिया। थैंक यू धैर्य, वेरी वेल डन। थैंक यू वेरी मच। और तुम 1,00,000 रुपए तक पहुंच चुके हो। जल्दी से हम चैरिटी के लिए 2,00,000 की तरफ बढ़ने वाले हैं, लेकिन बढ़ने से पहले वील टेक अ ब्रेक। आप जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम खेल रहे हैं गौरी और हितेन के साथ, करण एंड नंदिनी के साथ। सो प्लीज कम बैक फास्ट, क्विकली टेक अ टिफिन ब्रेक। हम सब चीट रहे। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तुम्हें क्या लगता है कितनी हड्डियां हैं ह्यूमन बॉडी? जितनी टूटी हैं उतनी बता सकता हूँ। गौरी ने तोड़ी हैं? कुछ गौरी ने तोड़ी है। आपसे मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि गंगा की शादी कितनी बार हुई है? प्रेजेंस, क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और इस वक्त खड़े हुए हैं मेरे साथ क्योंकि सास भी कभी बहू थी के मेन 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 पीपल और बहुत ही खूबसूरत कपल है, नजर ना लगे माशाल्लाह, हितेन और गौरी, और दोनों बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 1,00,000 रुपए जीत चुके हैं और अभी इनको चूज करना अपना क्लासमेट, और इनकी जो चैरिटी है प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स उसके लिए ये लोग खेल रहे हैं। तो जल्दी से एक क्लासमेट चूज करें। मिलनजीत और मेरा एक पर्सनल भांगड़ा है जो दुनिया में अनोखा है, एक बार करके दिखा दे मिलनजीत। ओके, फॉर 2,00,000 रुपीज प्लीज चूज योर सब्जेक्ट। शुड वी गो फॉर हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी? गो विद हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी क्लास 3 हेल्थ एंड ह्यूमन बॉडी। 2,00,000 रुपए के लिए गौरी और हितेन के लिए प्लीज सवाल दिखाया जाए, और ये वो पड़ाव है जहां से मिनिमम 2,00,000 रुपए आपकी चैरिटी को जाएंगे ही जाएंगे अगर सही जवाब दिया तो। आपका सवाल है सही या गलत। मानव शरीर में कुल 318 हड्डियां होती हैं, ट्रू ऑर फॉल्स? देयर आर नॉर्मली 318 बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी, ट्रू ऑर फॉल्स? बदमाश लिख लिया तूने। मिलनजीत को लगता है कि इसे जवाब मालूम है। Think it's false. क्या लग रहा है? I think they're much more than 318. हितेन गिन के देखो, गिनना शुरू करो। चलो, जितनी टूटी हैं उतनी बता सकता हूँ। गौरी ने तोड़ी है? कुछ गौरी ने तोड़ी है, कुछ हालात ने तोड़ी है। आई थिंक इट्स फॉल्स। क्या करना चाहोगे 2,00,000 रुपए के लिए? शुड वी गो विद फॉल्स? फॉल्स को लॉक किया जाए। फॉल्स को फिक्स करना चाहते हो? गो फॉर इट। फॉल्स। बताना चाह रहा था कि अगर तुम्हारा जवाब गलत हुआ तो बचाव खत्म हो चुका है। हाँ, जो बचाव हाँ, वाला चीट है वो खत्म हो चुका है। कॉपी और ताक झांक तुम्हें बचा नहीं सकते। तो अगर तुम्हारा जवाब गलत है तो ये गलत, इससे देयर इज नो कमिंग बैक। तुम्हें क्या लगता है कितनी हड्डियां हैं ह्यूमन बॉडी में? याद करो स्कूल में 366 तो लीप ईयर में दिन होते हैं। एक दिन के लिए एक हड्डी, एक दिन के लिए एक हड्डी, उसी हिसाब से कैलकुलेट किया। एक हड्डी एक दिन में टूटती है तो साल भर में। तुम्हें क्या लगता है गौरी? आई थिंक दैम मोर देन दैट। तुम्हें लगता है ज्यादा है 318 से? तुम दोनों का जो जवाब है कि 318 से ज्यादा हड्डियां होती हैं जिस्म में, वो गलत है।
तुम्हारा अदरवाइज आंसर बिल्कुल करेक्ट है फॉर 2 लाख रुपीज। एक्चुअली एक मानव शरीर में रफली 206 हड्डियां होती हैं और नोवेयर नियर 318 एक्चुअली कम होती। तुम लोगों ने बड़ा चढ़ा के, तुम लंबे हो तो शायद तुमने ज्यादा हड्डियां गिन ली। न्यू बॉर्न बेबी हैज अबाउट 270 बोन्स, फिर बड़े होते होते कुछ फ्यूज हो जाती हैं और तकरीबन 206 एवरेज में रह जाती हैं। मुन्ना भाई फिल्म देखी थी? हाँ देखी। हाँ उसमें वो बताते हैं पूरा हड्डियाँ कैसे। आजकल हमारी फिल्में और टेलीविजन बहुत ज्यादा एजुकेटिव हो गए, जैसे ये प्रोग्राम है और मुन्ना भाई फिल्म थी। बच गए 2 लाख तो हो गए। ओके बट यू गॉट 2 लाख रुपीज विच इज वेरी गुड, आई थिंक प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स विल बी हैप्पी विद दैट। लेकिन अब आप मूव कर रहे हैं बड़े प्राइस की तरफ, लेकिन बढ़ने से पहले वील टेक अ ब्रेक। आप जल्दी से वापस आइए क्योंकि हम खेल रहे हैं गौरी और हितेन के साथ, करण एंड नंदिनी के साथ। सो प्लीज कम बैक फास्ट, क्विकली टेक अ टिफिन ब्रेक। नंदिनी और करण की शादी किस उम्र में हुई है? 26 साल में हुई। बा आप बताएं। 60। तो झूठ मत बोलो यार, मुझे बुद्धिमान बनाओ तुम लोग यार। तो तुम्हारे अब 2 लाख रुपए से जीरो हो चुके हैं। वेलकम बैक एयरटेल प्रेजेंस। क्या आप पांचवी पास से तेज हैं और मेरे साथ हैं करण एंड नंदिनी, यानी कि हितेन और गौरी, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब आप मूव कर रहे हैं बड़े प्राइस की तरफ जो है 5 लाख रुपए का। लेकिन उससे पहले मैं एक्चुअली जो आपकी जो फैमिली आई है उनसे एक दो सवाल करना चाहता हूँ। आपसे मैं पहला सवाल पूछता हूँ कि गंगा की शादी कितनी बार हुई है? कमाल, दो बार पक्का? फिक्स करूं? पक्का। ओके यू आर राइट, यू गेट 5 करोड़ रुपीज। वेरी गुड। प्रजक्ता के पति का नाम क्या है? चिराग। चीटिंग। कैंसिल। हमारे एक साथ है। एक फैमिली सब कुछ आंसर बताएगी। सब चीटर है। मैं यहाँ पे पता करता हूँ इन दोनों को क्या मालूम है, उधर नहीं देखना जवाब के लिए, बाकी तरफ बाकी सब जवाब मालूम है। ओके दक्षा चाची का फेवरेट स्नैक क्या है? ढोकला। खमन ढोकला। एक्चुअली मेरे यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारा जवाब गलत है, ठेपला। ठेपला एंड ढोकला सेम नहीं है। तो झूठ मत बोलो यार, मुझे बुद्धिमान बनाओ तुम लोग यार। तो तुम्हारे अब 2 लाख रुपए से जीरो हो चुके हैं। नहीं, ये तो क्विज में नहीं है ना, ये क्लास 4 में थोड़ी सिखाते। अभी मालूम नहीं है क्योंकि इतना बड़ा हो गया अब, एक्चुअली हो सकता है स्कूल के सिलेबस में भी आ जाए वो। नंदिनी और करण की शादी किस उम्र में हुई है? नंदिनी और करण को तो तुम जानते ही होगे। 15। जब पहले हुई थी 26 साल में हुई थी, फिर दोबारा हुई 46। बा आप बताए। 60। यू आर राइट अगेन, अनदर 5 करोड़ रुपीज टू यू। वेरी गुड। साठ साल की उम्र में तुम दोनों की शादी हुई, शर्म नहीं आती तुमको यार? इसीलिए तो मैं नहीं बोल रहा था। इसलिए तुमने हड्डियां में बड़ा चढ़ा के बोली है काफी सारी। ओके 5 लाख रुपए के इनाम के लिए जल्दी से अपनी कैटेगरी चूज करो। ग्रेट टू हैव यू गाइस हियर। Class 4 geography. 5 लाख के बड़े इनाम के लिए क्लास 4 ज्योग्राफी गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखाया जाए प्लीज। आपका सवाल है मेरे कॉम्पैक्ट पे हिंदी में, तिब्बत में कैलाश पर्वत के ठीक नीचे कौन सी झील है? विच लेक इज सिचुएटेड जस्ट बिलो माउंट कैलाश और कैलाशा इन तिब्बत। बहुत पवित्र स्थान माना जाता है कैलाश, और झीलें भी दोनों वहां पर जो है, झील जो है उसको भी बहुत पवित्र माना जाता है। बोट चुकी है भैया ये। अगर स्पेलिंग्स में मेरे बच्चों की कोई मिस्टेक होती है तो उसको मैं डिस्काउंट करता हूं, तुम दोनों की स्पेलिंग में भी डिस्काउंट कर दूंगा। तिब्बत में कैलाश पर्वत के ठीक नीचे कौन सी झील है? विच लेक इज सिचुएटेड जस्ट बिलो माउंट कैलाश इन तिब्बत। कुछ आइडिया है? कैलाश पर्वत बहुत ही पवित्र सा स्थान है। तुम्हारी दोनों की चीटिंग्स बाकी हैं, कॉपी भी है, ताक झांक भी बाकी है। जरूरी नहीं कि उसका इस्तेमाल करो, अगर सोचना चाहो तो सोच लो थोड़ी देर के लिए।
jail is different. जो बा हैं, जो माँ हैं, उनको सारे जवाब मालूम हैं। आप जवाब मत दीजिएगा, लेकिन आपने सुना हुआ है ये? किसी देवता के नाम पर कुछ है उल्लेख। हाँ, झील का नहीं मालूम है आपको, सारा फैमिली के बारे में आपको ध्यान रखती हैं। एक ही चीज याद रखती है बा। हाँ, एक ही परिवार के नाम। या तो परिवार को कर लो या भगवान को कर लो। जस्ट थिंक अबाउट इट, या से इट अलाउड व्हाट यू थिंकिंग। क्या दिमाग में आ रहे थे? तो तुम्हें बोलना पड़ेगा, हम दोनों 60 साल की उम्र में शादी करने वाले बड़े नौजवान खूबसूरत जो कपल है, हम एक छोटे से बच्चे से जो कंपेयर टू 60 साल जीरो ईयर का होगा, नेगेटिव एज में होगा, उससे हम चीटिंग करना चाहते हैं, ताक झांक करना चाहते हैं, और फिक्स करो। हम दोनों इस छोटे बच्चे से ताक झांक करना चाहते हैं, कितने बड़े हैं वो तो नहीं बताएंगे, बट ताक झांक करना चाहते हैं। लेट्स सी कि मिलनजीत ने क्या जवाब लिखा है। मान सरोवर लेक, वी हैड इट। जरूरी नहीं कि मिलनजीत भी राइट हो। हाँ, ये बात भी हो सकता है, तुमसे सुनकर लिख लिया उसने। हो सकता है, नहीं हमसे पहले लिखा था। पहले लिखा था, पहले लिखा था। क्या बिल्कुल बता दो, उसके साथ जाना चाहोगे? फिर तुम्हें कहना पड़ेगा कि हम एक छोटे बच्चे की मदद से मान सरोवर लेक कहना चाहते हैं, और फिक्स करो। हम एक छोटे बच्चे की मदद से मान सरोवर लेक कहना चाहते हैं, और हम इसे फिक्स करो। दैट्स वेरी वेरी स्पोर्टिंग ऑफ बोथ ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू बोथ। And क्योंकि तुम्हारे दिमाग में था, तुम श्योर नहीं थे, लेकिन आंसर इज मानसरोवर। 5 lakh rupees, very well done, but it is very good. तुम दोनों एकदम करीब पहुंच गए थे, तुम्हें मालूम था, लेकिन थोड़ा सा हिचक आई बीच में, but no stress, you're a good looking and an intelligent couple. That's nice, very good. और मिलनजीत अब वापस जाएंगे, भांगड़ा करते हुए जाना मिलनजीत एक बार, डिगी 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 डिगी, yeah. Thank you मिलनजीत, thank you very much, thank you. और तुम्हारे पास अभी भी एक चीट बाकी है, यानी कॉपी, तो एक बच्चे को चूज कर लो, एक क्लासमेट को चूज कर लो। अभी श्री परना को बुलाते हैं, उसके बाद आपको बुलाते हैं। अगर ओके, श्री परना रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अरे नहीं रहेंगे कॉपी, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट, आइए रहेंगे हम जरूर। हाय, थोड़ा फास्ट बात कीजिए, आप फास्ट बात करती ना, बहुत तेज बोलती है, एक बार तेज बोल के सुना दो। आप कैसे हो? मैं अच्छी हूं। सब ठीक है, हमारे शो में सबके सब जो बच्चे हैं अजीब तरह से हंसते हैं, और इन सबकी अजीब अजीब जो हंसी है हम आपको और भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कपल आया हुआ है बहुत हंसमुख है, बहुत खूबसूरत है, और हमारे साथ खेलते रहेंगे। सो एक छोटा सा टिफिन ब्रेक लें और जल्दी से वापस आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर हितेन और गौरी आपका इंतजार कर रहे हैं। टेक अ ब्रेक। बाजू वाले के बगीचे से चुरा कर लेकर आते हो? एक बंदा फिक्स करके रखा है, एक फिक्स घर पे, प्लीज रोज इतने रोजेस पहुंच जाए। आप गाना गाती हैं बा? गाना? हाँ, गाना सुना दे, कोई कोई एक सेक्सी सा गाना सुना दे। दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, आप मेरे साथ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। Welcome back, Airtel Presents. क्या आप पांचवी पास से तेज हैं? और मेरे साथ हैं करण एंड नंदिनी, यानी कि हितेन और गौरी, और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो नेक्स्ट कैटेगरी चूज करो, उसके बाद सवाल करूंगा तुमसे। आर्ट एंड म्यूजिक, क्लास 4 आर्ट एंड म्यूजिक, क्लास 4 आर्ट एंड म्यूजिक। 10 lakh rupees के लिए गौरी और हितेन के लिए सवाल दिखा जाए प्लीज। और आपका सवाल है कॉम्पैक्ट में हिंदी में, प्राचीन मिस्र में इस्तेमाल हुए चित्रों और प्रतीकों की लिखावट के तरीके को क्या कहते हैं? एंशिएंट इजिप्ट। वेल डन, श्री परना को लगता है उसे जवाब मालूम है। व्हाट इज द सिस्टम ऑफ राइटिंग विद ड्राइंग्स एंड सिंबल्स कॉल्ड एज यूज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट? कुछ दिमाग में याद आ रहा है, लाउडली बोलो हितेन। एंशिएंट इजिप्ट राइटिंग्स, कहीं ना कहीं पढ़ा होगा जूनियर स्कूल में, एक्चुअली कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा।
encrypt something like this. Is it a code or something? Coding. वर्ड थोड़ा मुश्किल है लेकिन सुना जरूर होगा. It's not decoupage, is it? क्लास फोर में कैलीग्राफी. No, it's something else. It's ऐसा ही इसी रिश्तेदारी में है. अच्छा. जैसे सास में इतने सारे रिश्ते हैं वैसे इसी किसी रिश्ते में लगता है. ग्राफी है लेकिन कौन सा है? क्रिप्टोग्राफी. आप क्लास छोड़ सकते हो 5 लाख के साथ लेकिन मैं चाहूंगा नहीं. मैं चाहूंगा कि तुम चैरिटी के लिए और छोड़ेंगे तो नहीं. वेरी गुड इतन. कॉपी क्या करना चाहोगे इसके बाद? खुद के बल बूते समझ जाना. हाँ कॉपी कॉपी करना चाहते हो? ओके. प्रोजेक्ट क्रेयॉन चैरिटी के लिए सिर्फ उनके लिए हितेन और गौरी कॉपी करना चाहते हैं. हम कॉपी करना चाहते हैं. वेरी गुड. देखते हैं इन बच्चों ने क्या लिखा है. जल्दी से बताओ बच्चों ने क्या लिखा है. और आंसर है हायरोग्लिफिक्स. चित्रलिपि. हिंदी में चित्रलिपि कहते हैं उसको. हायरोग्लिफिक्स. और पिक्टोग्राफी भी बोलते हैं लेकिन hieroglyphics is the word. Yeah, that's what you were trying to go for. Pictography or hieroglyphics. Let's see, Shri Parna ne ye jawab likha hai ya nahi, because hieroglyphics is the right answer. So please Shri Parna ka jawab dikhaye. And yes, she's also written hieroglyphics. Very good. So you have now 10 lakh rupees for Project Crayon. Bahut 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 badhiya. Ek baat batao Hiten, most romantic cheez tumne Gauri ke liye kya ki? Gana gaya hai, हंसाया है कोई जोक बोल के? क्योंकि तुम बहुत हंसाते हो सबको, मैंने सुना है. तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है और यहाँ पे भी मुझे मालूम पड़ रहा है. नहीं हंसा तो और, और, और गौरी जो है बड़ी सीरियस है, एकदम हंसती नहीं है, स्ट्रिक्ट से खड़ी रहती है एकदम. टीचर हो सकती है ये 5वीं पास की? नहीं नहीं टीचर तो ठीक है लेकिन बट ये दिखती बहुत ऐसे है मगर है सबसे रोमांटिक चीज क्या की है इसके लिए? आई थिंक अगर इनके नजरिए से देखें तो आई थिंक जो हर दिन इन्हें फूल मिलते हैं वो इनके लिए सबसे ज्यादा रोमांटिक होंगे. एवरीडे हर रोज लेके आते हो? बाजू वाले के बगीचे से चुरा कर लेकर आते हो? एक बंदा फिक्स करके रखा है घर पे. प्लीज रोज इतने रोजेस पहुंच जाने चाहिए. ओह ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी वेरी रोमांटिक. इसलिए तुम दोनों एक बार गले मिलकर दिखाओ यार. दिस इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल. लवली लवली दिस इज. एंड जल्दी से 20 लाख रुपए प्रोजेक्ट क्रेयॉन्स के लिए जीतने की कोशिश करते हैं. बट अब श्री परना यहाँ पर नहीं रहेंगे क्योंकि तुम्हारे चीट्स खत्म हो चुके हैं. सो थैंक यू श्री परना. The kids are not here. You on your own. The most beautiful couple here in our country and on television. So please, jaldi se apna subject choose karein 20 lakh rupees ke liye. Abhi ye do teen hi bache Plant Kingdom hi le lete hain. Plant Kingdom. What do you say? Anything. Ab do teen hi bache Plant Kingdom hi le lijiye. Okay, class 3, Plant Kingdom. 20 lakh rupees ke liye. Hiten aur Gauri ke liye sawal dikha jaye please. और आपका हिंदी में सवाल है, इनमें से किस पेड़ की सूखी पत्तियों और छाल का इस्तेमाल कीटनाशक के तौर पर किया जाता है? तुम्हारे चॉइसेस हैं ए आम, बी नारियल, सी नीम. विच ऑफ दीज ट्रीज हैज बार्क एंड लीव्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक इंसेक्टिसाइड्स? ए मैंगो, बी कोकोनट, सी नीम. 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 20 लाख रुपए के लिए खेल रहे हो? पक्का मालूम है? एंड बोथ ऑफ यू रोमांटिकली होल्ड योर हैंड्स वन मोर टाइम एंड फिक्स इट. सी नीम. सी नीम. मां आपको क्या लगता है सही जवाब है? नीम. कभी नीम नीम कभी सर्द सर्द. आप गाना गाती हैं? बात डांस बहुत अच्छा करती है. बाय गाना गाना गा के सुनाते हैं हमें. गाना? हाँ गाना सुना दे. कोई कोई एक सेक्सी सा गाना सुना दे आजा. कौन सा?
तमे मारा देव नादि देखो मर गई मेरो थैंक यू सो मच बा थैंक यू वेरी मच बाय सो स्वीट And let me also tell you for your charity. Shahrukh, 106 साल में बा ये गाना गा सकती है आप. Oh, ठीक है आप TV पे इसलिए गा रही हैं, वरना मुझे मालूम है दर्द डिस्को दर्द डिस्को आप मेरे साथ. Exactly, exactly. Okay, तो 20 लाख रुपए तुम्हारी चैरिटी बहुत खुश होगी क्योंकि योर आंसर इज कम्प्लीटली करेक्ट. Absolutely. Very, very well done. Fantastic. I think you both have played very, very well. और जल्दी से कोशिश करें 50 लाख रुपए के लिए. Oh! घंटी बज गई है हमारे स्कूल की, लेकिन आप दोनों यहाँ पर आए इसके लिए मुझे बहुत खुशी है. Thank you. Please give me a hug, both of you. God bless you both. Thank you. Were you comfortable, both of you? Thank you very much. और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, करण नंदनी जो हैं, मतलब और जितने भी लोग यहाँ पे, क्योंकि सास भी कभी बहू के जो गैंग आया हुआ है यहाँ पर, पूरा वीरानी परिवार जो आया हुआ है, मुझे जो सबसे ज़्यादा खूबी लगती है कि इतने सालों से हर रोज़ तकरीबन आप लोग हमारे घर में आते हैं. और सब एक्टर्स के लिए इस शो के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज यही रहता है कि फिर भी आपके दिल में ये घुसकर बैठे हुए हैं, इतनी अच्छी जगह बनाई हुई है, इतना प्यार आप लोग करते हैं. सो ऑफकोर्स इट्स अ डिफिकल्ट जॉब वॉट यू आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन. एंड बा जो हमने देखा इतनी उम्र में भी 106 साल की हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये लगी हुई हैं. और मुझे किसी ने बताया कि ये टीवी एज में 300 साल हो चुकी हैं. बट रियली वंडरफुल, आई थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट. इसीलिए मेरा परिवार, पूरा जो परिवार मेरे साथ है, क्योंकि बा मजबूत है बीच में. बा से ज्यादा कोई और मजबूत नहीं है. वाह, बा की जय हो. और यहाँ पर बहुत बहुत मज़ा आया मुझको आप लोगों के साथ. यू आर वेरी वेरी स्पोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच. और आपकी जो ये जो पैसे हैं, ये प्रोजेक्ट क्रेयॉन के लिए जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा काम है. और हमारी तरफ से, पांचवी पास की तरफ से, आप दोनों को एक LCD टेलीविजन भी मिलेगा प्रेजेंट. आपको हम खाली हाथ नहीं भेजेंगे. एंड आई वुड एक्चुअली आस्क द होल गैंग, प्लीज कम हियर एंड स्टैंड विद अस. एंड एवरीबडी, वील सी यू अगेन And again and again with some great shows and some great people like these on the show. Thank you very much, everyone. Baako, we're going to make a dance with Dr. Disco. Bye, I'm your favorite night. And it's for you. The only singing for you, Baako. ऐसे ही बुलाता है, प्यार से और गुस्से में दोनों में जानू ही बुलाता है. मेरी बीवी अलग है, मेरी बीवी मुझे घर में टॉमी कह के बुलाती है. टॉमी आ जाओ. डोंट गिव अन आइडियाज. नहीं नहीं, दिस इज अ गुड आइडिया. यू शुड ट्राई इट, यू नो, सम टाइम्स के शेरू शेरू. आप भी सीख सकते हैं टाटा स्काई के साथ साल के 18,000 सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ एक्टिव लर्निंग पर. एक्शन, रोल कैमरा, एक्शन. एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू. गिली 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 गिली. ए क्या बोलती तू. ए क्या मैं बोलूं. आई एम द क्वीन. डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन.